पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइड चल रहा है, यानी कि अनेक ज्यादातर स्थानों पे हल्की मध्यम वर्षा तो ऑब्जर्व की गई है। जब सबसे अधिक वर्षा जाजपुर में 60 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पालक मंडी का सबसे अधिक तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिग्निफिकेंट की बात करें तो जो ट्रफ है झारखंड टू नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा अक्रॉस उड़ीसा होते हुए मीन सी लेवल 0.9 किलोमीटर बनी हुई है, लेकिन अपर लेवल सपोर्ट और वेस्टर्नली इंटरेक्शन की वजह से और हमारा जो ओशन से जो बे ऑफ बंगाल मॉइस्चर है उसकी वजह से आज हमारा जो है बादल बना हुआ 2 दिन तक जो है वेदर रहने की बना हुआ है, जिसमें अगर बात करें डे वन में ज्यादातर उड़ीसा में वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। उसके अलावा जो है हम लोग ऑरेंज वार्निंग दी है जिन डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, गस्टी सर्विस स्पीड 50 to 60 kmph होने की संभावना है और आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है हेलस्टॉर्म भी होने की संभावना है और हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। आइसोलेटेड प्लेसेस में उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है हमारे जो रेनफॉल जाजपुर, कटक, ढेंकरा, नयागढ़, बोध, कंधमाल, इन सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस होने की संभावना है। उसका हेल की जो हमारी सोनपुर, बोध, कालांडी, बोलांगीर, कंधमाल, नयागढ़, कटक, ये सब जो धनकरा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हेलस्टॉर्म होने की संभावना है, इसलिए येलो ऑरेंज वार्निंग दी गई है। उसके बाद बाकी जगह जो ऑरेंज कलर देख रहे हैं वहां पे जो आपको थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। और बाकी जो बचे हुए उड़ीसा के देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वहां पे बारगढ़, झारसुगढ़, संबलपुर, देवगढ़, सुंदरगढ़, खुर्दा, पुरी, गंजम, जयसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, इन सब डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है, जहाँ की गस्टी सर्विस स्पीड 30 to 40 kmph रहने की संभावना है। उसके अलावा आइसोलेटेड प्लेसेस थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग भी होने की संभावना है, जिसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। और डे 2 यानी 20 तारीख को भी हमारे जो कोस्टल उड़ीसा है वहाँ पर फेयर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। बोध, कंधमाल, रायगढ़, कोरबा, मल्कानगिरी में फेयरली वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना है, बाकी जगह पे स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। इसी प्रकार 20 को भी जो कोस्टल उड़ीसा में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की संभावना ज्यादातर जगह पे कोस्टल उड़ीसा में जो ऑरेंज कलर देख रहे हैं। उसके अलावा गस्टी सर्विस स्पीड रीचिंग 30 to 40 kmph जिसमें जाजपुर, कटक, खुर्दा, नयागढ़, पुरी, जयसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, भद्रक डिस्ट्रिक्ट शामिल है। तो आइसोलेटेड प्लेसेस जो इसमें हैवी रेनफॉल होने के जहाँ संभावना है वहाँ ऑरेंज वार्निंग दी गई, नयागढ़, कटक, खुर्दा, पुरी और जयसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, जहाँ मयूरभंज, केवंझा, ढेंकनाल, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मल्कानगिरी डिस्ट्रिक्ट में ये 20 की वार्निंग थी। ये 3 में जो हमारे नॉर्थ उड़ीसा कुछ डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा डे 4 to day 7 जो हमारा ड्राई वेदर रहने की संभावना है। टेम्परेचर फोरकास्ट में अगले दो दिन तक जो मैक्सिमम तापमान है डे का टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरेगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे वो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा सब्सिक्वेंट 3 days के लिए ज्यादातर हिस्सों में उड़ीसा के ऊपर।